दिवाली वाले दिन गुरदासपुर के गांव चेचिया चौड़िया में परिवार समेत अपने रिश्तेदारों को मिलकर घर वापस लौट रहे एक फौजी जवान हकीकत सिंह पर तीन अज्ञात लुटेरों ने लूट की और वारदात को अंजाम देने के मकसद से फौजी को गोली मारकर घायल कर दिया। वहीं जख्मी फौजी का पठानकोट के आर्मी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज पुलिस ने तीनों दोषियों को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में इस्तेमाल किए गए पिस्तौल भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुरदासपुर में प्रेस वार्ता कर एसपी हेडक्वार्टर नवजोत सिंह ने बताया कि दिवाली वाले दिन गुरदासपुर के गांव चेचिया चौड़िया में एक फौजी जवान ने अपने परिवार समेत अपने रिश्तेदार से मिलकर वापस घर आ रहा था कि रास्ते में तीन अज्ञात नौजवानों ने उसे लूटने की कोशिश की और उसे पैसे छीन लिए। जब वह उसकी पत्नी का पर्स छीनने लगे तो फौजी ने एक लुटेरे को पीछे से पकड़ लिया। इसके बाद दूसरे लुटेरे ने फौजी को तीन गोली मारकर जख्मी कर दिया और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने नाकाबंदी कर तीनों दोषियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनकी तरफ से वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्तौल भी बरामद कर ली है। जख्मी हुए फौजी जवान का पठानकोट के आर्मी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मुताबिक इन दोषियों के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामला दर्ज है। इन दोषियों की पहचान कुलविंदर सिंह उर्फ लानसर निवासी कोटली सोनिया, गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी निवासी गुनोपुर, सचप्रीत सिंह उर्फ जस्सी निवासी गुनोपुर के तौर पर हुई है। इनके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गल बात यह है कि मुंडा अपनी सिस्टर को गया 26 तरीक और 27 तरीक को उत्थों वापस आ रहा। 11:30 बजे जरा उन्हों घेर लिया गया उत्थे, उसका पर्स जरा ले लिया, जो लाड़ी के पर्स में पेन है तो फिर इनका घोल भलूंगा हो गया। फिर उन्हें फायर किया, 4 गोलियां ये फायर किया, 1 लाड़ी से किया, लाड़ी से गोली लगी नहीं, बाकी फिर वो 4 लगी दी मुंडे दे, पंजवी लगी लाड़ी दे मारी, उन्होंने लाड़ी नींदी होगी। तो अभी तो यो जानने पर सख्त तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है। मेरा नाम एकता मनास है। क्या बात है? मेरे पापा आर्मी में हैं, 11 डोगरा में हैं। हम हवलदार हकीकत सिंह, हम दिवाली वाले दिन बूजी के घर से वापस आ रहे थे। तो हम पहले थ्री आदमी थे, वो ना बाइक पे आए, वो आगे ब्यामपुर से पीछे को गए, फिर पीछे से वापस आए और उन्होंने हमें बहाना लगाया कि आप पीछे किसको साइड लगा के आए हो। तो हमने बोला, हमने बाइक रोकी, हमने बोला कि हमने किसी को साइड नहीं मारी। हमने वो लंबा सा आदमी था, उसने बोला कि आप गोली निकालो, गोली निकालो। तो पापा ने बोला कि आपको जितने पैसे चाहिए आप मेरे से ले लो। पापा ने जितने भी पैसे थे वो दे दिए। फिर वो आदमी पापा मम्मा के पर्स के साथ लगा और पापा ने बोला कि हमने आपको पैसे दे दिए, अब क्या ले रहे हो। तो पापा ने, उन्होंने ना ज़बरदस्ती मम्मा का पर्स पकड़ने लगे, तो मम्मा ने दिया नहीं। फिर उन्होंने 3 गोलियां लगाई और वापस भाग गए। और कुछ ही देर में एक दो आदमी आए बाइक पे, उसमें से उनमें एक आदमी को नीचे उतारा और पापा को ले गए वहाँ से। फिर धीरे धीरे हॉस्पिटल ले गए। से उधर थोड़ी सी आगे जाके पेट्रोल पंप में ना वो तेल भरवा रहे थे ना, तो सीसीटीवी फोटेज में उनकी फ़ोटो आ गई थी। तो बाद में पुलिस ने उधर जाके वो फोटोज़ देखी। मम्मा ने भी पहचाना लिया था और हमने भी पहचान लिया था सब ने। बोलो।